हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी घर पे आया हुआ हूँ, घर पर से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं दीपावली और छठ के लिए घर पे आया था। दीपावली तो हो चुका है और छठ की तैयारी अभी चल रही है। आप लोग भी अच्छे होंगे, छठ की तैयारी कर रहे होंगे, और आपने अगर फॉर्म फिलअप कर रखा है BSSCGL के लिए, तो आपका जो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। जितने भी BSSCGL वाले स्टूडेंट हैं, खास करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी इसमें फॉर्म फिलअप किया हुआ हूं और मैं भी CGL की तैयारी कर रहा हूं। BSSC थर्ड CGL की तैयारी मैं भी करता हूं और मैंने भी फॉर्म फिलअप कर रखा है। और मेरी जो स्ट्रेटजी है, तैयारी करने की रणनीति है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आपकी रणनीति जो है, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो आपने अगर फॉर्म फिलअप कर रखा है, तो आज है 27 अक्टूबर है, शायद आज 27 अक्टूबर है, और BSSC के नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 26 और 27 नवंबर को BSSC थर्ड CGL का प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होना तय है। तो दोस्तों, ये जो प्रारंभिक परीक्षा में अभी टोटल मिलाकर के 1 महीने का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, और मैं खास करके उन स्टूडेंट के लिए आज बात करने वाला हूँ जी, जो ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं पढ़ रहा होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा, ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। सोच रहे होंगे कि दिवाली छठ का माहौल है, कोई नहीं पढ़ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पढ़ने वाले हैं, सारे रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं। 1 महीना का समय बचा हुआ है, अब 1 महीना में बहुत अच्छी तैयारी किया जा सकता है अगर अच्छे ढंग से पढ़ा जाए तो। इसके लिए आप अगर अभी तक थोड़ा सा भी पढ़े ही नहीं हैं और चाहते हैं कि प्री कम से कम निकल जाए, उसके बाद मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें मैं आपको मिनिमम बुक, सिर्फ 2 बुक बताऊंगा, उस बुक को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका जो तैयारी जो है वो प्री निकालने लायक 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आज से भी आप स्टार्ट कर देते हैं दोनों बुक को पढ़ना, तो 1 महीने में आप प्री निकालने लायक पक्का हो जाएंगे। ये मैं अपने अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने भी BSSC इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम था उसको मैंने निकाला है, प्रीलिम्स भी निकाला, मेंस भी निकाला और फाइनल सिलेक्शन भी लिया, और मैं उसमें अभी ज्वाइनिंग भी कर लिया और जॉब भी कर रहा हूँ। अभी पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट पर जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि BSSC कहाँ से क्वेश्चन ला सकती है, किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं और कट ऑफ कितना जाने की संभावना है, सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं अपना सब कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे परसेंटाइल कितने आए थे, सारा चीज़ मैं आप लोगों का शेयर करूँगा। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा देख करके। कितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं ये भी पता नहीं चल पाता है। हमारे YouTube पे 20,000+ मेंबर हैं, 20,000 बहुत ज़्यादा संख्या होता है, तो उसमें से कितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं ये भी पता नहीं चल पाता है अभी। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आपके साथ कुछ शेयर किया जाए। तो आज जो मैं आप लोगों को 2 बुक बताने वाला हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। आप लोग अगर इस दोनों बुक को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, 1 महीना पढ़ लेते हैं, तो आप प्री निकालने लायक 100% हो जाएंगे। और दोस्तों, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आप कौन कौन से बुक पढ़ रहे हैं, जिससे कि मैं भी कुछ सीख सकूं आप लोगों से और मेरी भी तैयारी अच्छी ढंग से हो पाए। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो मैं बुक बताने वाला हूँ ये अच्छे ढंग से देख लीजिए। ये जो बुक है, इडुटेरिया की बुक है, ठीक है। इडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें 15 सेट दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और इसमें 2 साल का मैं बता देता हूं आपको, इसमें प्रीवियस ईयर 2011 का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 2015 का और पेपर 2 2015 का दिया हुआ, यानी कि 3 जो क्वेश्चन पेपर हैं इसमें, टोटल 15 सेट है और 3 अलग से क्वेश्चन पेपर दिया हुआ, यानी टोटल 18 सेट इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इस बुक को पूरा कर लेते हैं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, 18 सेट बनाने में कम से कम 1 महीना तो लगना ही लगना है, तो इस बुक का 18 सेट आप पक्का ख़त्म कर दीजिए, और जिससे कि मैथ और रीजनिंग आपका इसी बुक से कंप्लीट हो जाए। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नया लगता है तो उसको इस बुक से सॉल्यूशन दिया हुआ है, उससे सीख लीजिए।
और मैथ और रीजनिंग के लिए खास करके ये बुक आपको प्रीफर करना चाहिए। अगर आप मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बुक बनाइए। और इस बुक को मैं भी बनाता हूँ और अभी तक मैंने 6-7 सेट बना भी लिया है। काफ़ी मज़ेदार बुक है। एक आपको ये बुक फॉलो करना है, इस बुक का आप 18 सेट में 18 सेट बना लीजिए, आपका मैथ और रीजनिंग 100% यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बुक जो है, आपको बुक का नाम 100% पता होगा, सभी के पास ये बुक रहता है, जो भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं सभी के पास ये बुक आपको मिल जाएगा देखने का। देखिए ये बुक मैंने कल ही इस बुक को लाया है, ये जो है न्यू एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन 2022 का एडिशन है, टोटल 394 पेज है। 2022 के एडिशन में ही आपको 354 पेज वाली बुक मिल जाएगी, लेकिन इसमें 394 पेज है, काफ़ी ज़्यादा पेज की संख्या बढ़ा दिया गया है और 394 पेज है और बुक की जो लंबाई चौड़ाई है काफ़ी ज़्यादा है और 394 पेज है, यानी कि 400 के आसपास पेज है और बुक जो है काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर मटेरियल जो है इस बुक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इस बुक को आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम तक अगर इस बुक को आप फॉलो कर लेते हैं और इस बुक को फॉलो कर लेते हैं, दोनों बुक को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका 100% प्री का एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप खाली बस ईमानदारी से आपको करना है। और जो जनरल साइंस का सेक्शन है, जनरल साइंस के सेक्शन को भी आप इसी बुक से कर सकते हैं, जनरल साइंस के सेक्शन को आप इसी बुक से कवर कर सकते हैं, काफ़ी शानदार बुक है। और साइंस का भी इसमें जो थोड़ा सा बढ़ाया गया है और इसमें एक पर्यावरण और पारिस्थितिकी नया चैप्टर भी इसमें ऐड किया गया है। तो आपको मैंने बता दिया, दोनों अगर आपने अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो दोनों बुक को पढ़िए, आपका प्री 100% निकल जाएगा, ठीक है। और सब बताइए, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात है दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमें ज़रूर मोटिवेशन मिल जाएगा आप लोगों से कि हमारे भी चाहने वाले बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर। और ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, आप लोग बस तैयारी कीजिए और आपकी रणनीति जो है वो ज़रूर बताइएगा, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, आप कौन कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।